हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट सब्जेक्ट जीके क्लास एलकेजी। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ एलकेजी क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज हम आपको फिर वही क्वेश्चंस रिपीट करा रहे हैं जो जनरल क्वेश्चंस हैं आपके। स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 30 ऑफ मई 2020। व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका क्या नाम है। माई नेम इज़ और आपका जो नाम है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फादर नेम। माई फादर नेम इज़ मिस्टर, जो आपके पापा का नाम है उसको लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मदर नेम। माई मदर नेम इज़ मिसेस, पापा के नेम के आगे क्या लगता है, मिस्टर, MR मिस्टर। एंड मम्मा के नाम के आगे क्या लगता है, MRS मिसेस। ओके, मिसेज जो आपकी मम्मा का नाम होगा। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन बांदा, तिनवारी, बबेरू, बिसर, जहाँ पर भी मतलब आप रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ आपकी जगह का नाम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कल न्यू क्वेश्चंस मैंने आपको और करवाए थे 3। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लावर, रिलेटेड ऑफ नेशनल, नेशनल से रिलेटेड कराए थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लावर, लोटस। What is the name of our national fruit? Mango. What is the name of our national bird? Peacock. ये मैंने 3 questions आपको कल करवाए थे ना students, तो और आपको learn और write करने के लिए questions दिए थे। I hope आप लोगों ने अपना work complete कर लिया होगा। Okay students, next आज हम आपको इन्हीं questions के साथ हम आपको 3 questions new और add करते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, स्काई मीन्स आसमान। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, ब्लू। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, ब्लू। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास मतलब क्या होता है, घास। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास, ग्रीन, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, रेनबो देखा है आपने, बारिश होती है कभी कभी मौसम, तो देखिए शाम के टाइम रेनबो निकलता है ना, स्काई में रेनबो दिखता है ना, जो ऐसा इंद्रधनुष, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। हाउ मैनी कलर्स, कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। कितने, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, व्हाट इज़ द कलर ऑफ, वो हाउ मैनी कलर आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, मतलब कितने कलर होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में, नेशनल फ्लैग में राष्ट्रीय तिरंगे में, ठीक, तिरंगे झंडे में कितने कलर होते हैं, 3 कलर। कितने कलर, 3 कलर। आपको पता है कौन कौन से 3 कलर होते हैं, देखिए इसमें 3 कॉलम्स होते हैं ना नेशनल फ्लैग में, टॉप, मिड एंड लास्ट, ठीक है। तो टॉप में जो है, टॉप में सबसे पहले, टॉप मतलब ऊपर, सबसे पहले कौन सा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सैफ्रन कलर, क्या बोलते हैं, सैफ्रन कलर। और उसके बाद बीच में जो कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइट कलर। मिड मतलब बीच में, लास्ट में कौन सा कलर होता है, ग्रीन, है ना, सैफ्रन, वाइट, ग्रीन। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द आवर नेशनल फ्लैग, 3 कलर, सैफ्रन कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने, आप 3 क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस मैंने आज आपको न्यू फिर से दिए हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चंस जीके के दिए जाएंगे उनको लर्न आप करिए, और पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट इन क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट करके डेली स्टूडेंट्स को रिमाइंड कराइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।